कहते हैं प्यार किसी बंधन को नहीं मानता, वो हर हाल में अंजाम तक पहुंचना चाहता है, फिर उसके लिए भले ही जाति और धर्म की दीवारों को भी क्यों ना तोड़ना पड़े। और कुछ ऐसा ही किया है इन राजनेताओं ने, जिन्होंने जाति व धर्म के किसी बंधन को नहीं माना और अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचाया। सबसे पहले बात बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी की। मुख्तार अब्बास नकवी और उनकी पत्नी सीमा अलग अलग धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन प्यार ने इन दोनों के बीच आई धर्म की दीवार को तोड़ दिया। दोनों की मुलाकात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई। 3 जून 1983 को दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। दोनों की शादी हिंदू व मुस्लिम दोनों ही रीति रिवाजों से हुई। इनका एक बेटा है। अब बात कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट और उनकी पत्नी सारा पायलट की। लंदन में पढ़ाई के दौरान सचिन की सारा से मुलाकात हुई। सारा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन हैं। सचिन और सारा ने जब अपने परिवार वालों को बताया तो दोनों के प्यार के बीच मजहब की दीवार आ खड़ी हुई। आखिरकार दोनों ने जनवरी 2004 में शादी कर ली। बाद में दोनों के परिवार वालों ने भी उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। अब बात बीजेपी के मशहूर नेता शाहनवाज हुसैन की। शाहनवाज को अपने प्यार को पाने के लिए 9 साल तक मशक्कत करनी पड़ी। शाहनवाज की लव स्टोरी तब शुरू हुई जब वो दिल्ली में DTC की बसों में सफ़र करके अपने कॉलेज जाते थे। DTC की बस में ही उन्हें मिली रेनू शर्मा, जिन्हें वो अपना दिल दे बैठे। 1994 में दोनों ने शादी की। उनके 2 बेटे हैं। अब बात बीजेपी के एक और दिग्गज नेता और बिहार के डिप्टी CM सुशील मोदी की। सुशील मोदी ने ईसाई धर्म को मानने वाली जेसिस जॉर्ज से शादी की। दोनों की मुलाकात ट्रेन में हुई थी। उस दौरान सुशील मोदी पटना यूनिवर्सिटी में ABVP के महासचिव थे। दोनों की शादी को लेकर काफ़ी बाधाएं भी आई, मगर बाद में उनके घरवाले मान गए। सुशील मोदी की पत्नी जेसिस एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। दोनों के 2 बेटे हैं। अब बात जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की। उमर और पायल की लव स्टोरी दिल्ली के ओबराय होटल से शुरू हुई। 1994 में दोनों ने धार्मिक बंधनों को तोड़कर शादी कर ली। इनके 2 बेटे हैं, जाहिर और जमीर। हालांकि 17 साल बाद दोनों का तलाक हो गया। अब बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी की। मनीष तिवारी ने नाजनीन सफा से शादी की है। नाजनीन पारसी धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं। 1996 में दोनों ने शादी की। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है इनेका तिवारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वायर। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें।